हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिपुरा नैनी श्रीनिवास की पोइम आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। स्टूडेंट्स, त्रिपुरा नैनी श्रीनिवास एक तेलुगु पोइट थे जो अपनी एक विशाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तेलुगु साहित्य में नई आवाज़ें लाने की कोशिश की। उन्होंने तेलुगु पोइट्री में अपने लिए एक विशेष जगह बनाई, लेकिन 30 वर्ष की आयु में ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। प्रेजेंट पोएम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये त्रिपुरा नैनी श्रीनिवास की ही कलेक्शन ऑफ पोइट्री रहस्योद्यमम और सीक्रेट मोमेंट से ली गई है। ओरिजिनली ये पोएम तेलुगु में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसे दामोदर राव द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये पोएम सोच तथा बिहेवियर में, कथनी तथा कहने में ओरिजिनलिटी लाने के लिए ज़ोरदार अपील है। इस पोएम में पोइट ब्लाइंड इमिटेशन की आलोचना कर रहा है। इस पोएम का टाइटल इसी पोएम की लास्ट लाइन आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन से ही लिया गया है, क्योंकि पोइट इस बात को कंफर्म करता है कि वह सूरज को गले लगाएगा। एम्ब्रेस का मतलब है गले लगाना, और सन हेयर इन दिस पोएम इज़ अ सिंबल ऑफ ओरिजिनलिटी। इसी तरह से पोइट ओरिजिनैलिटी के लिए अपनी लाइफ को भी दाव पर लगाने के लिए तैयार है। समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट कहता है कि उसने हमेशा उस पर्सन को नापसंद किया है जिसने अपने चेहरे पर मखौटा पहन रखा है। वह शीशे को भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि यह भी इंसान को परछाई में बदल देता है। कभी कहता है कि सदियों पुराना आकाश मनुष्य के दुखों का गवाह है। वह मनुष्य के दुखों और आंसुओं को कंपैरिजन 7 महासागरों के पानी से करता है। इतने दुखों के बावजूद भी वह निराशावादी नहीं है। वह अपने आप को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने आप को एक बार फिर बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि वह खुद उन चीज़ों के प्रति आकर्षित रहा है जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, क्योंकि एक चीज़ जो पहले से ही स्पष्ट है, वहाँ कल्पना करने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। कवि ने बार बार जन्म लेने की आदत बना ली है, क्योंकि जन्म मृत्यु पर विजय होता है। इसी तरह से विचारों के माध्यम द्वारा कुछ रचनाएं की जा सकती हैं। वह उन लोगों से नाराजगी जता रहा है जो एक ही विचार को दोहराते हैं। वह इतिहास के वर्तमान समय में एक कोने में खड़ा होकर लोगों को सिखा रहा है कि ओरिजिनलिटी कैसे क्रिएट करनी है। वह कभी भी नए विचार के बिना नहीं जिया। वह सभी दर्पणों को तोड़ देना चाहता है। वह चंद्रमा को उसकी चमक के बावजूद भी नापसंद करता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती। वह सूर्य को ही अपने गले लगाना चाहता है, क्योंकि इसकी अपनी ओरिजिनलिटी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में कवि नकल के प्रति अपनी नफरत को खुलकर बयान करता है। कवि कहता है कि उसने हमेशा उस व्यक्ति को नापसंद किया है जो अपने चेहरे पर किसी और के चेहरे का मखौटा पहनता है। वह उन लोगों को नापसंद करता है जिनके विचार अपने नहीं होते। फिर कवि मिरर को मेटाफर के रूप में पेश करता हुआ कहता है कि मिरर भी ओरिजिनल लोगों को नहीं दिखाता, वह भी लोगों को परछाई में बदल देता है। कवि इन लाइंस के थ्रू ये बताना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की नकल करता है या किसी का मखौटा पहनता है, तो वह अपना व्यक्तित्व खो देता है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि 21st सेंचुरी से आकाश भी मनुष्य के दुखों का गवाह रहा है। स्काई शब्द का प्रयोग कवि ने नेचर, कोई गॉडली पावर या इतिहास की ओर इशारा करने के लिए किया है। मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करता हुआ कवि कहता है कि संसार के 7 महासागर मनुष्य जाति के आंसुओं से भरे हुए हैं, और धरती के 1/3 हिस्से पर जो लोग रह रहे हैं, उनके आंसुओं ने आकाश को बादलों से भर दिया है। कवि मनुष्य के इतने दुखों का वर्णन कर रहा है, लेकिन फिर भी वह आशावादी है। वह अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक कोने में खड़ा होकर वह अपने आप को
रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि पुरानी परंपरा के साथ वह चिपक कर नहीं रहना चाहता, वह कुछ नया पाने की खोज में है। आगे कवि कहता है कि वह हमेशा उन चीजों की ओर आकर्षित हुआ है जो समझने में आसान नहीं है। डिफाइड टोटल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जो समझ से परे है। इसीलिए कवि कहता है कि जो पहले से ही आसान है, जिसके अर्थ पहले से ही स्पष्ट है, उसको समझने के लिए कल्पना का प्रयोग करने में कोई स्कोप नहीं रहता। कवि ने अपनी आदत बना ली है कि वह बार बार मरकर बार बार जन्म लेगा। उसके अनुसार पुरानी सोच और परंपराओं में बंधे रहना मृत्यु के समान है, और नई शक्ति की खोज या नए विचार रखना नया जन्म लेने के समान है। इसी तरह से कवि कहता है कि हमेशा ही जन्म मृत्यु पर विजयी होता है। इसी तरह से पुराने विचारों की बजाय पुनर्रचना करते रहना चाहिए। आगे कवि उन लोगों के साथ नाराजगी जता रहा है जो किसी बात को व्यर्थ में दोहराते रहते हैं। वह कहता है कि वह इस सच्चाई को भूला नहीं है, जब लोग अपनी रचनाओं में एक ही बात दोहराते हैं। उसकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है, और 25 वर्ष के दौरान उसने कई लोगों को मरते और जन्म लेते हुए देखा है। उसने देखा है कि कैसे मृत्यु पर जन्म जीत प्राप्त कर लेता है। इतिहास के एक कोने में खड़ा होकर वह अपनी ओरिजिनलिटी और पहचान के बारे में समझाता हुआ कहता है कि ओरिजिनलिटी कैसे क्रिएट करनी है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कहता है कि वह कभी भी कोई नई बात सोचे बिना नहीं रहा है। वह हमेशा नए विचार और नई सोच रखना चाहता है। कवि कहता है कि वह तब तक आराम नहीं करेगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, जब तक वह नकल के सभी दर्पणों को तोड़ नहीं देता। वह बार बार ये बात दोहराता रहेगा जब तक लोग नकल करना छोड़ नहीं देंगे। कभी कहता है कि चंद्रमा की चमक के बावजूद भी वह चंद्रमा को नापसंद करता है, क्योंकि रोशनी और चमक इसकी अपनी नहीं होती, यह चमक भी वह सूरज से लेता है। कभी कहता है कि वह ये बात जानता है कि सूर्य को गले लगाकर वह उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा, फिर भी वह सूर्य को ही गले लगाना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि सूर्य की अपनी रोशनी होती है। यह ओरिजिनलिटी और एनर्जी का प्रतीक है। एनालिसिस ऑफ द पोएम। इस पोएम में पोइट ने इमेजरी, सिंबलिज्म, मेटाफर जैसे डिवाइसेस का यूज़ किया है। इस पोएम में पोइट ने ब्लाइंड इमिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिरर इमेज का प्रयोग किया है। इस पोएम में पोइट ने मनुष्य के दुखों का वर्णन करने के लिए मेटाफर डिवाइस का यूज़ किया है। लोगों की सिसकियां और आंसुओं का कंपैरिजन 7 महासागरों के पानी से किया है। सॉन्ग्स और रीवर्थ जैसे वर्ड्स को क्रिएटिविटी के सिंबल के तौर पर यूज़ किया है। इस पोएम में सन ओरिजिनलिटी और एनर्जी का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन। Thank you for watching this video. Kindly like, share and comment. Press the bell button and subscribe my channel Rehan's Academy. Thank you.